Hi guys, this is Ethereal Tutorials and my name is Abdul. And last video tutorial में मैंने आप लोगों को heading tag के बारे में और paragraph tag के बारे में बताया था. तो heading tag में 6 तरह के heading tags थे, h1, h2, h3, h4, h5 and h6. And paragraph tag and horizontal line create करने के लिए या draw करने के लिए horizontal tag के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. ओके, तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जो एक फ़ाइल क्रिएट की थी इथेरियल ट्यूटोरियल्स के नाम से, मैं उसी फाइल को, इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML का पेज स्ट्रक्चर है जिसे हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं. ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सिर्फ एक HTML का पेज स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है जहाँ पर बॉडी में सिर्फ कुछ डॉटेड लाइन्स ही ड्रॉ की गई है. ओके, तो आज हम यहाँ पर कुछ और लाइन्स या समथिंग, कुछ कंटेंट्स डालने की कोशिश करते हैं. ओके, तो फाइनली इस फाइल को एक बार फिर से हम नोटपैड में ओपन कर लें. तो राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है HTML की फाइल. ओके, जहाँ पर हमने उस टाइम सिर्फ कुछ डैश या डॉट्स ड्रॉ कर दिए थे. आज हम ने जो आपको लास्ट टाइम हेडिंग टैग के बारे में बताया था उन्हें मैं यूज़ करके बताऊंगा. तो इस वेब पेज में मैं एक हेडिंग डालना चाहता हूँ जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालना चाहता हूँ. तो मैंने यहाँ पर H1 टैग यूज़ किया और यहाँ मैंने लिख दिया Ethereal Tutorials और H1 टैग को क्लोज कर दिया. तो अब इसका आउटपुट भी चेक कर लिया जाए कि इसका आउटपुट कैसा आता है, कि H1 टैग के अंदर जो Ethereal Tutorial लिखा गया है वो किस तरह से एक वेब पेज में डिस्प्ले होगा. ओके, तो इस फाइल को फिर से ओपन कर लेते हैं. एंड जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं Ethereal Tutorials ये है जो मैंने यहाँ पे H1 टैग यूज़ किया है. H1 टैग इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा. H1 टैग की साइज़ इतनी होती है और ये बोल्ड हो जाता है. हम और भी टैग्स को यूज़ करके देख लेते हैं, जैसे कि H2. मैंने यहाँ H2 यूज़ किया और H2 में भी सेम कंटेंट लिख दिया. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक दैट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन H1 एंड अदर टैग्स. ओके, तो मैं यहाँ पे H1, H2, H3 एंड इसको सेव करता हूँ. फाइल में जा कर के सेव कर लीजिए या शॉर्टकट कंट्रोल S यूज़ कर सकते हैं आप. एंड उसके बाद यहाँ पर इसको रिलोड कर दीजिए इस पेज को, या फिर कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करें. मैंने रिलोड किया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने तीन हेडिंग्स यूज़ की है, H1, H2 और H3. और ये H1 की साइज़ है, ये H2 की और ये H3 की. ऐसे ही तीन और टैग्स बचे हैं, H4. ओके, H4 मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड H5 एंड H6. ओके, सो जस्ट चेक इट बाय रिलोडिंग दिस पेज. तो ये है सारे अलग अलग हेडिंग्स की टाइप, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. ये इनकी साइज़ है और इनके बीच में ये डिफरेंस है. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी वेबसाइट को बनाने के लिए इनमें से आप किसी भी टैग का यूज़ कर सकते हैं, इसमें से किसी भी साइज़ की हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. ओके, तो हम डिफरेंट टाइप के टैग्स को यहाँ यूज़ करेंगे. फ़िलहाल मैंने इन सब को डिलीट कर दिया और एक को रहने दिया, H1, और रिलोड करने पर आप देख सकते हैं बाकी सारे कंटेंट यहाँ से भी डिलीट हो गए. ओके, तो अब मैं यहाँ एक और हेडिंग टैग यूज़ कर रहा हूँ, H3, जो कि जस्ट फॉर सब हेडिंग वी प्रोवाइड वीडियो ट्यूटोरियल. ओके, ये मैंने यहाँ पे सब हेडिंग डाल दी है H3, और यहाँ पे से रिलोड करने पे आप चेक कर सकते हैं कि ये सब हेडिंग आ गई. ओके, अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए HR टैग के बारे में भी बताया था. HR टैग मैंने यहाँ लगा दिया और जस्ट रिलोडेड. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है. ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि HR पे अगर मैं स्लैश लगा के इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर जो पुराने HTML वर्जन्स थे वहाँ पर HR जैसे टैग्स को बंद करना होता था, यहाँ पे ओपन किया और यहीं बंद कर दिया. तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ा. और जो नए वर्जन्स हैं उनमें इसे आप हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट चेक इट. ओके, उसके बाद फिर अब मैं अपने ट्यूटोरियल्स के बारे में कुछ और पैराग्राफ्स लिखना चाहता हूँ इस वेबसाइट में, इस वेब पेज में ऐड करने के लिए.
तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, दिस इज सम पैराग्राफ अबाउट इथेरियल ट्यूटोरियल एंड वी प्रोवाइड प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स। ओके, तो यहाँ पैराग्राफ ओपन है एंड मैंने पैराग्राफ को यहाँ क्लोज कर दिया है। एंड फाइनली अब यहाँ पे इस पेज को रीलोड करके चेक करते हैं और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है पैराग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस पी टैग के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती हैं और पैराग्राफ की प्रॉपर्टी नॉर्मल और बिल्कुल सिंपल सी होती है। ओके, तो अभी बेसिक एचटीएमएल टैग्स के सीखते टाइम में आप देख पा रहे हैं कि जितनी चीज़ें हैं वो ब्लैक कलर की आ रही हैं और उनका जो फॉन्ट स्टाइल है वो है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का नाम होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को और कलर्स को हम बाद में चेंज करेंगे, मैं आप लोगों को इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊँगा। ओके, तो आई थिंक जितना मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था उन सबको मैंने आज प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।